खेती किसानी की बात हर शनिवार मेरे यानी परवेंद्र मोहन के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर और इस हफ्ते की भी सबसे बड़ी खबर यही है कि आज देशव्यापी चक्का जाम का आयोजन किया गया है। ये देशव्यापी चक्का जाम का आयोजन 40 किसान संगठनों के किसान संयुक्त मोर्चा जो बनाया गया है उसने किया है। इनका ये कहना है कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले। 1 फरवरी को जो बजट पेश किया है सरकार ने उसमें किसानों की मांगों की अनदेखी की गई है, वो अनदेखी दूर हो। जो आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, 3 जगह टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, इन तीनों जगहों पर इनका किसान संगठनों का आरोप है, कहना है कि जो बुनियादी सुविधाएं थी, पानी की सप्लाई रोक दी गई, टैंकर की सप्लाई रोक दी गई, बिजली काट दी गई और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई, उनकी फिर से बहाली हो। इन्हीं मांगों को लेकर के इन्होंने इस चक्का जाम का आयोजन किया था। आपको बता दें कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में इन 3 जगहों पर इन्होंने चक्का जाम नहीं करने का ऐलान किया था। इनका ये कहना था कि दिल्ली में चूंकि सरकार ने खुद ही अपनी तैयारियों से जाम कर रखा है, इसलिए किसान संगठनों को दिल्ली में अलग से जाम करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में इनका ये कहना था कि गन्ना पेराई का सीजन चल रहा है, गन्ना किसान गन्ना को चीनी मिलों तक ले जा रहे हैं, तो चक्का जाम से दिक्कत होगी उन्हें, इसको देखते हुए इन दोनों राज्यों में भी नहीं करेंगे। लेकिन जमीनी स्थिति ये है कि चक्का जाम दिल्ली में भले ही न किया गया हो, लेकिन जाम की ही स्थिति है। पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही, 50,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ड्रोन से, मैं दोहरा दूं कि ड्रोन से जो सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं वहाँ की निगरानी की जा रही है और चिन्मय विश्वास ने दिल्ली पुलिस की ओर से ये साफ बताया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के पहले किसानों से कई बार बातचीत की गई थी, फिर भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, इसे देखते हुए हम इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो दिल्ली की सीमाओं की स्थिति मैंने आपको बता दी। यहाँ पर सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है, कहीं से भी किसी तरह की अशांति की कोई खबर 12 बजे से 3 बजे के बीच नहीं आई है। ये अच्छी बात है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है। किसान संगठनों ने अगर 3 घंटे का चक्का जाम किया और उस दौरान अशांति की स्थिति कहीं नहीं बनी तो ये पूरे देश के लिए राहत की खबर है। अब एक खास बात और आपको बता दें कि इन 3 राज्यों में तो चक्का जाम नहीं था, लेकिन पंजाब में इसका खासा असर देखा गया है। जम्मू पठानकोट हाईवे बंद था, उधर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर बॉर्डर बंद था, तेलंगाना में हैदराबाद में कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया, बेंगलोर में पुलिस ने किसान चक्का जाम के समर्थन में बैठे लोगों को हिरासत में लिया, लखनऊ में बाराबंकी में भी किसानों को हटाया गया वहां से, ये लोग अयोध्या जाने वाली सड़क रोकने की कोशिश कर रहे थे, और महाराष्ट्र में स्वाभिमान शेतकारी संगठन ने भी इसका समर्थन किया था, तो वहां भी इसका असर देखा गया। झारखंड में मिला जुला असर रहा है, बिहार में कई जगह इसका असर रहा। कहने का मतलब ये है कि देशव्यापी चक्का जाम का जो आयोजन किया गया था, इससे पहले अब तक ये संदेश जा रहा था कि किसान आंदोलन जो हो रहा है वो पंजाब हरियाणा
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का ही आंदोलन है, इतने ही इसका दायरा। किसानों, अब एक चीज आपको ये बता दें कि आखिर इस चक्का जाम की जरूरत क्यों आई। तो माना ये जा रहा है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, उसके बाद से देश भर में जो किसानों आंदोलन के प्रति आक्रोश हुआ, उसको देखते हुए लोगों की सहानुभूति इस आंदोलन के प्रति घटी थी और आक्रोश बढ़ा। ऐसे में किसान नेताओं के लिए जरूरी हो गया कि वो बताएं कि अभी भी हमारे आंदोलन की मजबूती कम नहीं हुई है। और इसके लिए पहले मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई, फिर हरियाणा के जींद में किसान महापंचायत हुई, और अब चक्का जाम के जरिए इन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। आज के किस चक्का जाम के बाद राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है कि सरकार ये समझे कि किसानों की मांगे क्या है। और हरसिमरत कौर बादल अकाली दल की नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है, और आपको ये भी बता दें कि अकाली दल इन्हीं किसान कानूनों के खिलाफ, जिसे लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है, इन्हीं किसान कानूनों के खिलाफ बीजेपी से उसने अपना रिश्ता तोड़ा था, एनडीए से बाहर हो गया था अकाली दल। हरसिमरत कौर बादल ने आज ये कहा कि अब तक जो लोग कह रहे थे कि आंदोलन पंजाब का है, अब अगर वो नहीं मानते कि आंदोलन देश भर के किसानों का है, तो फिर इनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये रही किसान आंदोलन पर किसानों के पक्ष की बात। तो पूरे हफ्ते संसद में भी किसान आंदोलन छाया रहा। आपको लगातार हम बताते रहे हैं कि सरकार का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है, किसान नेताओं का क्या कहना है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि किसानों की मुख्य मांगे जो थी शुरू में, मांगे बदलती गई हैं और बढ़ती भी गई हैं। तो किसानों की जो मुख्य मांगे थी, उनमें एमएसपी गारंटी कानून में किसान ये चाह रहे हैं कि सरकार जुबानी भरोसा दे रही है तो वो कानून बना करके इसको सुनिश्चित कर दे। सरकार का ये कहना है कि सरकार की ओर से इस मांग के बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले प्रदर्शनकारी किसानों को अपना आंदोलन वापस, नया बिजली कानून न आए, क्योंकि किसानों की सब्सिडी, बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है वो खत्म हो जाएगी। सरकार का इस पर रुख ये है कि बिजली कानून 2003 ही लागू रहेगा, नया कानून नहीं आएगा। एक और चीज, जो किसानों ने पराली जलाने पर जो 1 करोड़ तक का जुर्माना है और 5 साल तक की जेल, इस कानून को हटाने की मांग की थी, सरकार का रुख इस पर सकारात्मक था। मुख्य एमएसपी कानून और मंडी को लेकर के जो गतिरोध है, उस पर सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है कि मंडियां खत्म नहीं होगी। एमएसपी सरकार ने बढ़ाई है, और एमएसपी जो वही एमएसपी है, उसमें खरीद भी बढ़ी है, वो भी जारी रहेगी। इसके बावजूद ये किसान आंदोलन 2.5 महीने से जारी है, और जब तक ये आंदोलन जारी है तब तक, मतलब ये सीमाएं चाहे जाम हो या न हो, वो भी बाधित है। ये एक तथ्य है जिसे, जिसका समाधान जरूरी है, न सिर्फ किसानों के लिए, न सिर्फ सरकार के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो कि इन रास्तों से होकर गुजरते हैं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से यूपी जाते हैं या हरियाणा जाते हैं। किसान आंदोलन की मांग आपने देखी, इन दोनों पक्षों का रुख भी हमने आपको बताया। अब यही उम्मीद की जा सकती है कि सरकार की ओर से जो वार्ता का प्रस्ताव दिया गया है, और किसान संगठनों की ओर से भी जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर लिया गया, तो कम से कम अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि दोनों आमने सामने आए और इस आंदोलन का एक तार्किक समाधान निकले। नमस्कार।